गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम दैनिक जागरण के जो मुख्य पृष्ठ होते हैं, जिसमें संपादकीय के बारे में विस्तार से लिखा होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर विचार विमर्श और गहन अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों का शिकायत है कि आप डेली वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। माफ़ करिएगा, वीडियो डेली अपलोड होता है, कभी कभार छूट जाता है। ऐसे में क्या है, आप बेल आइकन जो है कि प्रेस कर लें, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि डेली हम बात करते हैं कुछ वाक्यों का, कुछ सेंटेंस का, जिनमें वो ताकत होती है, वो ऊर्जा होती है कि किसी भी इंसान के जीवन को या फिर कुछ पल को बदल सकने में उनमें क्षमता होती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है, वर्तमान की उपेक्षा करने वालों का भविष्य कभी सुंदर नहीं हो सकता। ये है ना, वर्तमान की उपेक्षा करने वालों का भविष्य कभी सुंदर नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों इसमें, कि अगर आप वर्तमान को दुत्कार रहे हैं, जैसे कि आज जो वर्तमान चल रहा है, जो प्रेजेंट, उसमें आप न पढ़ रहे हैं न लिख रहे हैं, बस घूम रहे हैं, ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं जो आपका आने वाला भविष्य वो प्रभावित होगा। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा होगा, वर्तमान अच्छा होगा, तभी आप एक नई कहानी गढ़ पाएंगे भविष्य में। एक तरह से कह सकते हैं वो आपका रिजल्ट है, जो आप वर्तमान में करेंगे वही आपका परिणाम आएगा भविष्य में, जो आपने किया वही आपको मिलेगा। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो रिजल्ट भी आपका कुछ नहीं होगा। ठीक उसी तरह जो आपका किया गया जो कार्य है, उसका जो फल मिलेगा वो भविष्य में मिलेगा। आज आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसका जो लाभ होगा भविष्य में पता चलेगा, ठीक है। तो चलते हैं उसके बाद, अल्पसंख्यकों का भरोसा, यहाँ पे लिखा, जैसे एक मिनट, यहाँ पे देखिए लिखा अल्पसंख्यकों का भरोसा। जी हाँ दोस्तों, एक दो दिन पहले ही भारत के यशस्वी और गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने संबोधन में कहा कि इस बार मैं विशेषकर जो अल्पसंख्यक वर्ग है, खासकर मैं अल्पसंख्यकों को बात करूं, देखिए दोस्तों, जो अल्पसंख्यक होता है वो दो के आधार पर होता है, या तो भाषा के आधार पर होगा या तो धर्म के आधार पर होगा। तो अभी तक हमारे देश में पांच कह सकते हैं धर्म को ये माना गया है कि अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। और जो भाषा के आधार पर दोस्तों अल्पसंख्यक माने जाते हैं, वो राज्य का विषय है, उसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसमें है आपका है मुसलमान है, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ठीक। तो दोस्तों, जैसे कि 22 कह सकते हैं 22 मई की घटना है, परिणाम आने के एक दिन पहले, किस प्रकार से एमपी में, मध्य प्रदेश में एक युवक को मारा पीटा गया। और इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि वो, कुछ लोगों को डाउट था कि वो गोवंश ले जा रहा है, जो बीफ होता है, गाय की मांस है, उसे ले जा रहा है, तो इस वजह से लोग कथित तौर पर उसे मारे। कुछ देर बाद जो आज मीडिया है, मीडिया इतनी नकारात्मक हो गई है कि सही चीज़ों को नहीं दिखाती है। कुछ ऐसे तत्व हैं मीडिया में ही, वो हमेशा अंतर्विरोध का काम करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से लोग नरेंद्र मोदी जी के बारे में अच्छी बातें कहें, वो हमेशा उन्हें मिसगाइड करते हैं, उनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये मीडिया का बहुत बड़ा जाल तंत्र है, जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा ही संचालित होती है, उन्हें बड़े बड़े फंड मुहैया कराए जाते हैं। अब सोचिए, अगर वहाँ पे वो बंदा मारा गया, उसके बाद फेक न्यूज़ क्या किया गया कि देखिए अभी एग्जिट पोल ही आया है, किस प्रकार से एक मुसलमान को भीड़ तंत्र के द्वारा, मोब लिंचिंग के द्वारा पीटा जा रहा है, इस प्रकार की घटना गढ़ी गई। फिर बाद में जब वहाँ जाँच पड़ताल हुआ तो घटना कुछ और निकला, मतलब बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता उसमें नहीं थे, वहाँ पे कुछ स्थानीय लोग ही थे जिन्हें बस शक हो गया था कि नहीं शायद एक गौमंस ले जा रहा है, इसलिए लोग कुछ दो चार झापड़ जो भी पीटे हों मारे हों। पर बात यहाँ पे ये बनता है, एमपी में सरकार किसकी है, कांग्रेस की है, और जो सुरक्षा, जो प्रशासन है, जो कानून व्यवस्था है, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है, ये राज्य का विषय है, न कि केंद्र सरकार का। मतलब किसी भी राज्य में, किसी भी पार्टी द्वारा शासित, अगर वहाँ कुछ भी हो जाए मुसलमान को, तो जिम्मेदार होता है नरेंद्र मोदी। जब कानून व्यवस्था आपके हाथ में, आप जो करना है वो करिए ना, पर आप लोग किस प्रकार से आम जनता को मिसलीड कर रहे हैं। तो अगर हम आपको कहें, कुछ लोगों का अगर ये आरोप है कि नहीं अल्पसंख्यकों से
जो है कि बीजेपी वाले थोड़ा सा बैर रखते हैं तो लोग गलत हैं। आप याद करिए, जो शौचालय योजना है, ठीक है, जो उज्ज्वला योजना है, जो आयुष्मान योजना है, जो आवास योजना है इसमें, या फिर जो बिजली वितरण योजना है, क्या इसमें महिलाओं को नहीं मिला था? आप ही बताइए। रसोई गैस का महिलाओं को नहीं मिला है, जो मुसलमान मुस्लिम महिलाएं हैं या फिर किसी और धर्म से ताल्लुकात रखती हैं? तो जो एक प्रकार से जो नकारात्मकता गढ़ ही जा रही है हमारे देश के मीडिया के द्वारा, जिसे हम मानते हैं कि हमारे देश का चौथा पिलर है, पर किस प्रकार से वही लोगों को मिसगाइड कर रहा है। तो आजकल ये सारी चीज़ें प्रीपेड हो गया है, आप पैसा फेंकिए, जो चाहेंगे वो मीडिया आपके बारे में कहेगा। तो इसीलिए आजकल और देशों के भी जो लोग हैं, बड़े बड़े शासन अध्यक्ष, क्रिटिसाइज करते हैं इंडिया के मीडिया वालों का, क्योंकि इनके पास कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होता है, बस अपना खुद का स्टेटमेंट निकाल के बता देंगे कि ये नहीं, ऐसा ऐसा हुआ है। तो उससे क्या होता है, जो समाज का है वो सौहार्द बिगड़ता है। और आप देख सकते हैं कि कुछ पार्टियों के द्वारा और कुछ बड़े बड़े अभिजात वर्गों के द्वारा जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया गया है कि नहीं, जो मोदी हैं या फिर बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो किस प्रकार से मुस्लिम विरोधी हैं, इस प्रकार की छवि पेश करने वाले जो लोग भी हैं इसके पीछे, वो बहुत ही घृणित व्यक्ति हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक छोटा वाला ये भी देख लें, उचित कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, ये है जालौन की कहानी है। आजकल देख सकते हैं आप कितने बड़े पैमाने पर खनन चल रहा है, और जैसा कि जब शुरू शुरू में योगी आदित्यनाथ आए थे हमारे यूपी के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने सख्ती के साथ एक संदेश दिया था, किसी प्रकार का अगर खनन हमारे प्रदेश में किया गया, भूमाफियाओं जो हैं उनका राज खत्म कर दिया जाएगा, जो गुंडे बदमाश हैं उनका हम इनकाउंटर करा देंगे, या तो हमारे प्रदेश को छोड़ के भाग जाएं। पर किस प्रकार से दोस्तों, 22 ही और उसका खनन का टेंडर जारी हुआ है, पर किस प्रकार से 70 खनन के पट्टों पर ये लोग अपना अधिकार जमा लिए हैं। ऐसे में क्या है, हमारे प्रदेश के जो संसाधन है किस प्रकार से लूट मची हुई है, किस प्रकार से उसका दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। और ऐसे उस समय जब हमें बार बार ये चेताया जाता है, किताबों में पढ़ाया जाता है कि उतने ही संसाधनों को आप उपयोग में लाएं जिनसे आप की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, ये नहीं कि तीन चार नहीं होता जनरेशन के लिए आप रख लें अपने पीढ़ियों के लिए, तो ये गलत है। आज अगर आप इसी अनुचित तरीके से अगर अवैध खनन करेंगे तो कल को हमारे पीढ़ियों, आने वाली जो पीढ़ियां, उनके लिए कुछ नहीं बचेगा, तो वही वर्ग संघर्ष चलेगा। तो अगर हम नहीं सोचेंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि हम इस समय इस पीढ़ी में हैं। आपको बता दें कि ये सच्चाई है, आप छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा कुछ राज्यों में चले जाइए, जहाँ पर व्यापक स्तर पर जो भू माफिया हैं, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, बिजनेसमैन हैं, किस प्रकार से वहाँ के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, और वहाँ पे कंपनियाँ मतलब फसलों को नष्ट करके, खेतों को नष्ट करके, जंगल को काट कर बड़े बड़े कंपनियों का निर्माण कर रहे हैं, और जो वहाँ के आदिवासी हैं, जो जनजाति हैं, किस प्रकार के उनके अधिकारों का क्षरण किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें एक स्थान से दूसरी जगह विस्थापित किया जा रहा है, बहुत बड़ी समस्या है ये हमारे देश की। और ये जो विषय है, ये विषय है आपके मुख्यमंत्री का, उस राज्य का जो भी मुख्यमंत्री है, जब तक वो सख्ती के साथ निर्देश नहीं देगा ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं, तो इस पे क्या करना चाहिए, जो हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनको सख्ती के साथ निर्देश देने के साथ साथ एक अलग कानून का प्रावधान करना चाहिए, जिसके तहत अगर दोषी करार हो गया तो उसके ऊपर इतने जुर्माने ठोक देने चाहिए कि दोबारा ऐसी कोई गलती करने में 10 बार सोचे। ठीक है, ये होता रहेगा दोस्तों। अगर ऐसी कभी भी घटनाएं अगर आपने देखी है, तो कृपया आप नीचे जाके सेक्शन बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, और बताइएगा कि आपने जब इस प्रकार के खनन को देखा तो आपके जहन में कौन सी, कैसी प्रतिक्रिया आई, क्या ये प्रतिक्रिया है कि नहीं हमें इस समय कॉल कर देना चाहिए पुलिस को या बुला लेना चाहिए, ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ऐसे में जानते हैं, मैं मानता हूँ कि जो नए बच्चे हैं उनके अंदर ये है, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है, जो अपने संसाधनों के प्रति प्रेम है, वो ऐसा कर सकते हैं। पर मित्रों, आज हम आपको बता दें, आप कॉल करेंगे जिसे भी ना,
वही चीज़ें हैं। पुलिस आएगा, उनको पैसा देंगे लोग, फिर वो कहेंगे तुम अपना काम करो। तो सबसे बड़ी बात है, कभी भी ऐसी घटना हो तो आप लोग एक चोरी छुपे वीडियो बना के वायरल कर दीजिए और जहाँ जहाँ हो सके आप भेजिए। ऐसे में क्या होता है ना, प्रशासन की लग जाती है। ठीक है, चलिए ये रही बात, शेयर करिएगा आप लोग। यह देखिए, सफलता को देनी होगी निरंतरता। ठीक, सफलता को देनी होगी निरंतरता, विवेक काटजू ने लिखा है। लिखा है, वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर अपने लिए तब विशेष सम्मान अर्जित किया जब उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में किसी दल को 30 साल बाद अपने दम पर बहुमत दिलाने का करिश्मा किया था। अब उनकी शानदार जीत न केवल उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करेगी, बल्कि इससे दुनिया के पहली पांच के नेताओं में उनकी स्थिति और मजबूत होगी। इसके साथ ही क्षेत्र में समक्ष और दुनिया भर की बड़ी शक्तियों के नेता उनके और भारत के साथ रिश्ते प्रागण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि निकट भविष्य में दुनिया की एक उभरती हुई शक्ति के निर्विवाद नेता रहने वाले हैं। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में उन्हें बाहरी मोर्चे विशेषकर पश्चिमी पड़ोस में चुनौतीपूर्ण हालात का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ये निरंतरता अगर बनी रहती है तो बहुत ही अच्छा होता है। देखिए, आज अगर जो भारतीय हमारे यशस्वी और गौरवशाली जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं इस समय। जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि इस देश के साथ कोई भी पेट्रोलिंग या ऐसे उत्पादों का क्रय विक्रय नहीं करेगा, अगर करता है उस स्थिति में तो उसके ऊपर भी हम आर्थिक या किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई करेंगे या दबाव बनाएंगे। तो ऐसे में क्या है, 3 महीने का अल्टीमेटम मिला था, वो 3 महीना खत्म हो गया है। ऐसे में जो भारत का जो झुकाव है, या तो रूस के प्रति जाएगा, क्योंकि वो भी एक तरह से देखें तो कच्चे तेल के उत्पादन में बहुत अग्रणी स्थान रखता है, या फिर अमेरिका पे, ज़्यादातर जो है अमेरिका के झुकाव की तरफ होगा, क्योंकि इस समय अमेरिका से रिश्ते काफ़ी प्रांगण चल रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में क्या है, कहीं ना कहीं चीज़ों में बदलाव आ रहा है। ऐसे में इन्हें सोचना पड़ेगा। और कुछ चीज़ों में देखें, चाहे तालिबान को देखें, किस प्रकार से अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की जो सरकार है उसे किसी प्रकार की शांति की वार्तालाप करने से वो बच रहा है, और अमेरिका जैसा देश किस प्रकार से तालिबानियों से बात कर रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सामान्य नहीं है। हमारे देश के जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं, अगर उनके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति आती है तो ये मानना कि नहीं हम सेफ हैं, हमारे ऊपर नहीं आएगा, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसे में क्या है, सारे राष्ट्रों को मिलकर उस पर विचार विमर्श और आगे बढ़ना चाहिए। और आपको बता दें, जिस प्रकार से अगर हम देखें, चाइना ने ट्वीट के माध्यम से जिस प्रकार से कहा था वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कि हम भारत को एक और नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, वहाँ पर हमारा सहयोग होगा और एक दूसरे राष्ट्र हम मित्रवत रहेंगे, व्यापार करेंगे। पर आज आपको बता दें, किस प्रकार से जब वही जैश ए मोहम्मद के संचालक मसूद अजहर को हम वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रहे थे, तो किस प्रकार बार बार यही चाइना जैसा देश बीच में आके अड़ंगा लगा देता था, बीटों का गलत इस्तेमाल करता था। एक बार नहीं, 4 दशक से वह यही काम कर रहा था। और उसके बाद अगर हम देखें तो चाहे परमाणु संधि वाली बात हो तो उसमें भी अड़ंगा लगाता है, चाहे सीमा से संबंधित कोई विवाद हो उसमें भी अड़ंगा लगाता है। तो हम कैसे ये अपेक्षा करें चाइना जैसे देश से कि आने वाले समय में वो हमारे अनुकूल ही रहेगा, ये गलत है। इसमें क्या, हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी हैं, उन्हें बहुत ही व्यापक स्तर पर गहन विचार विमर्श करना पड़ेगा, फिर कोई कदम उठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो ये है, जो सामना करना है पाकिस्तान जैसे देश का। जी हाँ दोस्तों, आज पाकिस्तान की जो स्थिति है वो इतनी आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होता जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में अगर उसको बड़ी संगठन के द्वारा आर्थिक चीज़ों का मुहैया नहीं करा गया तो वो राष्ट्र पूरी तरह से दिवाला हो जाएगा, और इसका असर जो अन्य पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा, ये वास्तविकता है। पर दोस्तों, ऐसे में हमें बहुत ही सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवादियों को संचालित करता है, और हमारे जो अलगाववादी नेता है कश्मीर के अंदर, हुर्रियत के नेता, किस प्रकार से उन्हें प्रोवोक करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उन्हें हथियार मुहैया कराता है, अपने जो मेंटालिटी है, जो वहाँ की मानसिकता है उनके अंदर भरता है। तो ऐसे में हम कैसे कह लें कि पाकिस्तान से अगर हम मित्रता बढ़ाएं तो हमारे लिए अच्छी होगी।
क्योंकि ये आज की घटना नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। ये जब से 1947 से जब से भारत पाकिस्तान अलग हुए हैं तब से यही हो रहा है। पार्टीशन के समय से ही इतने तो फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार में व्यक्ति नहीं मारे गए होंगे जितना हमारे आपसी रिश्तों के मनमुटाव में मारे गए हैं। तो इस पर बहुत ही अच्छे और व्यापक तरह से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो आज हमारी जो दक्षिण एशिया में या फिर कहें पूरे एशिया में जो हमारी स्थिति है एक सहयोगी राष्ट्र की है। एशिया के सारे देश किस प्रकार से चाइना के दमनकारी नीतियों से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं। उन्हें बस अगर एशिया में कोई राष्ट्र दिखता है जो सहयोगी राष्ट्र के रूप में जो उनकी पीड़ा को समझ पाए, तो एक ही राष्ट्र वो है आपका भारत। जिस प्रकार से उसने डोकलाम जैसे मुद्दे को कूटनीतिक रूप से इतने बढ़िया से कहें उसका हल निकाला, इससे जो अन्य देश हैं जो विपक्षी देश हैं वो कायल हो गए। और कुछ दिन पहले आप देखे होंगे जिस प्रकार से हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के अंदर 70 किलोमीटर अंदर जाके किस प्रकार से हमने वहाँ चीज़ों को नेस्तानाबूद करके फिर वापस चले हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है वो सब खाली फर्जी हैं। मतलब 21वीं सदी की वो जेट फार जो होता है जेट लेकर आते हैं फिर भी वो खुद मतलब क्रैश हो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे तो वहाँ के पायलट हैं। तो यही सब चीज़ें हैं कि इस बार जो अगर आपको सफलता पानी है तो कुछ मुद्दों पर बहुत ज़्यादा विश्लेषण करना होगा। और जो हमारे देश की जो कुछ समस्याएं हैं, देखिए हर देश की समस्याएं होती हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि उन्हें एक एवरेज पे ले आएँ, एक जो उसका परसेंटेज है उसे कम करें। जैसे कि आप कह सकते हैं बेरोज़गारी है, गरीबी है, कुपोषण है, पानी है, इन सब चीज़ों का जो संकट है अब भारत में बढ़ता ही जाएगा जब तक इसके बारे में कोई उचित उपाय नहीं करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं सुलगते सवाल उठती सूरत की आग। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के अंदर सूरत में 3-4 दिन पहले की घटना है, वहाँ पे आग लग गई थी वहाँ के कोचिंग संस्थान में, और जिस वजह से तकरीबन 20-22 बालक और बालिकाएँ झुलस गए। और जिस प्रकार से वो वीडियो में जब दिखाया गया था, हमने खुद देखा था, जिस प्रकार से अफरा तफरी में वो बच्चे चौथी मंजिल से कूद रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, देख के हृदय पूरा थम जाता है कि इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं हमारे देश में तो इसके ज़िम्मेदार कौन है। इसके ज़िम्मेदार वही हैं जिनको जिम्मेदारी और अधिकार दिया गया कि आप चीज़ों को संगठनात्मक रूप से ले चलें, चीज़ों की देख रेख करें, पर किस प्रकार से कुछ भी नहीं करते हैं और उन्हीं गलतियों की वजह से इतनी ज़िंदगियाँ हर साल चली जाती हैं, ये तो कम है। 2012 में पता होगा करोल बाग के दिल्ली में ऐसी घटना हुई थी जिसमें 20-22 लोग होटल में जल के मर गए थे। कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ में एक घटना हुई थी जिसमें कई लोग जल के मर गए थे। इलाहाबाद में हुई थी, नोएडा में हुआ था। तो इन सबके जिम्मेदार कौन है, वहाँ के जो अधिकारी आला अफसर हैं। सोचिए वहाँ के स्थानीय लोगों को ये बताना चाहिए कि जो चौथी मंजिल थी वहाँ पर किस प्रकार से थारकोल रखा गया था, ज्वलनशील पदार्थ रखा गया था, और कह सकते हैं पॉलीथीन से पूरा पैक किया गया था। तो ये चीज़ें आप खुद आग को न्योता दे रहे हैं, जरा से भी शॉर्ट सर्किट होता है तो कोई बचेगा नहीं। ऐसे में क्या है, देखिए संदेह के घेरे में आ रहा है। हम कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, पर आज हमारे जो अग्निशमक जो यंत्र हैं उनके पास, फायर ब्रिगेड के पास 40 मीटर से अधिक ऊंची जो है सीढ़ी ही नहीं है। ये विकास है। अन्य देशों में जाएँ अगर आग लगती है तो किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उनकी पहली प्राथमिकता होती है अपने देश के सेफ्टी के लिए। किसी प्रकार के संसाधनों को खर्च करना पड़े पर एक जिंदगियां बचाने के लिए हम बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, पर हमारे देश में इन चीज़ों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता। अगर विचार विमर्श किया जाता तो 40 मिनट लेट फायर ब्रिगेड नहीं आता, अगर विचार विमर्श किया जाता तो 22 जिंदगियां नहीं खत्म हो जाती, अगर विचार विमर्श होता तो प्रशासन इतना ढीला नहीं होता, अगर विचार विमर्श किया जाता तो बिना किसी सख्ती कार्रवाई के भी लोग 10-10 मंजिला बिल्डिंगें बनवा ले रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, न रोड की निकासी है, न पानी की निकासी है, बस जहां मिले वहीं बनवा लो और आने वाली जनरेशन, आने वाली जो विपत्ति होगी कुछ नहीं पता। गांव में तो कहीं कहीं आप चले जाइए कि आप एक साइकिल से नहीं ले जा साइकिल नहीं ले जा पाएंगे, और फोर व्हीलर की तो बात छोड़ दो, कल को कोई घटना हो गई तो वहाँ पर पहुँचने में प्रशासन को 7-10 घंटे लग जाएँ। तो ये जिम्मेदारी किसकी है। जितने भी कोचिंग के जो संचालक हैं, शिक्षण संस्थान के संचालक हैं,
खाली वो पैसा कमाने की सोच रहे हैं, न किसी प्रकार की वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं कि अगर आग लग जाए तो आग से निपटने के लिए कोई यंत्र हम रखें या फिर कोई अलार्म रखें। मतलब आप करोड़ों रुपया बिल्डिंग बनाने में खर्च कर दे रहे हैं पर एक अलार्म सिस्टम नहीं लगा रहे हैं कि किसी प्रकार की अगर कोई घटना हो जाए तो अलार्म के सारे सबको निकाल दिया जाए। आप जाएंगे दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियों में, उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप स्मोकिंग भी करेंगे अलार्म बजने लगेगा, छोटी सी भी घटना हो जाती है अलार्म बजने लगा, जिसके तहत थोड़े ही समय में सबको रेस्क्यू कर लिया जाता है। पर हमारे देश में कुछ बिल्डर अपने खुद के पैसे कमाने के चक्कर में किस प्रकार से गरीब बच्चों को मौत के गले सुला रहे हैं। छत्तर के नीचे कौन पढ़ेगा, एक मध्यम वर्गीय परिवार पढ़ेगा, या तो विदेश में थोड़ा हम जाएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे बाप उतना लैंडलॉर्ड नहीं है, मिनिस्टर्स नहीं है। तो दोस्तों इन घटनाओं पे आप महसूस करिएगा कि जो जिंदगियां गई हैं उसके जिम्मेदार आखिर कौन है। ये जो एक दूसरे के ऊपर लोग, वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे पुलिस हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे वहाँ के आला अफसर हों, अधिकारी हों, छोटे स्तर के मंत्री हों, किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, असल में वो अपने ऊपर मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग जिम्मेदार हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।